अगर हमें अपने संबंधों में दुख मुक्ति की राह चुननी है तो एक कला सीखनी होगी, आसक्ति रहित जीवन। कैसे? क्योंकि व्यक्ति का होना पदार्थ, मन और चैतन्य का संगम है। पदार्थ मन बदलते रहते हैं, यानी कि शरीर और उसका मन, उसके विचार, भावनाएं सब बदलते रहेंगे। जो उसके भीतर चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, जो चैतन्य है, वो एक ही है। तो हम व्यवहार तो करें शरीर और मन से, लेकिन उनको जाने की अस्थाई है, परिवर्तनशील है। और जो अपरिवर्तनशील है वो हमारे प्रियजन के भीतर, हमारे भीतर, सबके भीतर बहती हुई चैतन्य की एक अपरिवर्तनशील अवस्था। तो हम जुड़े रहें उस अपरिवर्तनशील चैतन्य से, शरीर मन को बस बीच में व्यवहारिक ढंग से चलने दें, तो कभी दुख नहीं आएगा। Thank you.